प्लान मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स अ सैटरडे इवनिंग, आप लोग पार्टीज कर रहे होंगे. हेलो, बट आई एम सो ग्लैड दैट यू गाइस आर हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आप लोगों को पता है हम यहाँ क्यों हैं? नहीं पता ना? नहीं पता ना, सिर्फ मुझे ताड़ने आना तुम लोग. You know, I've been receiving a lot of messages from you guys since yesterday. I posted that I've been here, I will be here. So we are here to launch FBB's Breadline collection. And इसके बाद, इस शो के बाद, जो जो FBB के स्टोर में नहीं गया, मैं तुम लोगों के क्रेडिट कार्ड खुद चुरा के उसमें शॉपिंग करूँगा. तुम लोगों को पता है ना, जाओगे तुम यहाँ सिर्फ फोटो खींचने ना. Well, thank you so much, guys. So we are here for FBB's Petline collection. It's been designed by Pankaj and Nidhi, and it's been inspired by the Miss India 2018 range. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको Miss India में जाने का कभी शौक चढ़ा था? किसी लड़के ने हाथ उठाया? सूरज, सूरज. Miss India में किसी को जाने का शौक नहीं है आपको? नहीं. दुर्गेश. मेरे साथ डेट पे जाने का शौक है किसी को? हाँ, मैं तो खैरात में हूँ, फ्री में हूँ. वेल, हेलो एवरीबॉडी अपस्टेयर्स, थैंक यू सो मच. आप लोग शॉपिंग कम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. बट गाइस, टुडे वी आर गोना बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन. वी आर जस्ट हेयर टू एक्चुअली लॉन्च अ कलेक्शन. वी आर गोना बी शोकेसिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमारे पास यहाँ पे आज तीन ऐसे कलेक्शन हैं जो इंस्पायर्ड हैं बाई थ्री डिफरेंट थिंग्स. आई टेल यू द इंस्पिरेशन. द फर्स्ट इंस्पिरेशन इज बर्ड्स. बर्ड्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? अरे बोलो ना, क्या होते हैं? चिड़िया बोलते ना, एक चिड़िया. बट नॉट एनी रैंडम बर्ड, मतलब हम कबूतर और कबू की बात नहीं करेंगे. दी स्पेशल बर्ड्स विच आर लाइन इज इंस्पायर्ड ऑफ. द सेकेंड इंस्पिरेशन इज हंगरी. हंगरी क्या है? भूख नहीं, हंगरी द कंट्री. इसमें कपड़े हैं सर. तो मैं अपने लेफ्ट से शुरू करना चाहूँगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. सो आर फर्स्ट कलेक्शन, इट्स कॉल्ड द मथियो रोज. अब आप सोच रहे होंगे मथियो रोज ये कौन सा रोज है? वाइट रोज होता है, रेड रोज होता है. आई टेल यू व्हाट द मथियो रोज इज. इट्स बेसिकली द थीम इज इंस्पायर्ड बाय द कलरफुल फोक आर्ट्स फ्रॉम हंगरी. हंगरी जो एक कंट्री है, एंड इज टिपिकली कैरेक्टराइज बाय हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड ब्राइट कलर्स. सो डू यू वांट टू सी दिस कलेक्शन गाइस? देखो शोर मचाओ, मैं किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगा. हेलो, कितने मैं इतनी देर से आपको देख रहा था, मुझे देख के स्माइल कर रहे थे. मैंने कहा हाय बोल दूं मैं आपको, एंड आई नो यू, डोंट वरी. हेलो, हाउ आर यू? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एफबीबीज ब्रेडलाइन कलेक्शन नंबर वन, द मथियो रोज. लेट्स हियर इट गाइस. भाई पीछे आ जाओ. ए जितो पीछे आ. लाइट मेरे रूम में. लाइट लाइट चिल्ला रहे हैं. Thank you.
दैट आपने सब लोगों का सैटरडे नाइट जो मतलब बैंड बजा के आपने एफबीपी पे लाया उसे If I ask you, see, I know a lot of people also talk about the fact that FBB is India's fashion hub. What is that one thing about FBB according to you? Why do you think it's India's fashion hub? Why not? We are here. Look at us. Most of us have shopped here and most of us love the product. Most of us get it at an affordable price. What's not to love about the brand? Look, but thank you so much. We'll keep talking to you more. A huge round of applause, guys. For Ms. Prachi Mahapatra, thank you so much, ma'am, to come on stage. Also, hello, Manvinder sir, how are you? Main aapse bhi baat karna chahunga. Manvinder Sharma, he's the category head women ethnic wear of FBB. Hello, sir, how are you? Why such a good looking man only talking about women ethnic wear? I love women. That I also love women. Been doing that for the last 30 years. I've been asking women if they love me or not. But you know, you've been specifically on the women ethnic wear. Why just the women ethnic wear category? Women ethnic wear is something which is very close to my heart. I've been working on the last 7 years. And as and when the opportunity arises, maybe the shorter clothes, the shorter ones. As and when the opportunity arises, matlab kya hai? Waiting for it. ठीक है आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं यहाँ पे हाँ फिर आप बात कर सकते हैं जितनी भी बट थैंक यू सो मच मिस्टर मनविंद्र अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर मनविंद्र गाइस अच्छा कितनों को यहाँ पे एथनिक वेयर पसंद यार तुम लोगों को कुछ पसंद है जो चीज पूछता हूँ दो लोग हाथ खड़ा करते हैं कितनों को बिकिनीज पसंद है यहाँ पे भाई साहब मैं यही देखना चाह रहा था कि तुम लोग सुनते भी हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ मैं बड़बड़ा रहा आपको अपने पे पसंद है या किसी और पे पसंद है किसी और पे ना हाँ हो सकता है क्यों मना ऐसे क्यों मना क्यों कर रहे हो अच्छा फ्रेंड आ रहा है मुझे लगा तुम्हारा भाई भाई है मैं गलत बात डोंट वरी हम ये कहीं नहीं जाने वाला ये सिर्फ अभी दूरदर्शन पर आएगा घर पर दिखाएंगे तुम्हें इसकी सीटें मैं तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ बिकनी इस पसंद है ये करने आते हो मॉल में वेल चलिए मस्ती मजाक बहुत हो गई अभी इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड एंड लास्ट थीम टू बी अनवील्ड इट्स कॉल्ड द बर्ड ऑफ पैराडाइज कितनों को समझ आया है कि ये क्या है यू नो ये क्योंकि दिस बर्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड्स आर आई एम टॉकिंग अबाउट ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है द प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर्स ऑन द प्लैनेट And Pankaj and Nidhi have done a really, really cool job, you know. They've told this story through sequined and beaded shimmer patterns of flying birds and ornamental fauna in this collection. Jewel tones and special silhouettes in our food corner, in outfits ko aur bhi khoobsurat banata hai for a great evening. So do you guys want to see our third collection? Once we... Itna boring is... देखो इसके बाद ना मैं तुम्हें 100% डिस्काउंट का कूपन दूंगा जो तुम एफबीबी में यूज नहीं कर पाओगे बट लेडीज एंड जेंटलमैन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर थर्ड कलेक्शन लेट्स हियर इट फॉर आवर थर्ड कलेक्शन गाइस एवरीबॉडी ऑन स्टेज अभी निकला आवाज भी निकल रहा है Thank you.
wish I could speak to all of you. But maybe some other day. Lopa, this is... You shouldn't leave that chance, guys. I shouldn't. Where are the girls? I'm there. How are you, Lopa? Very good, how are you? I'm just doing the same work, I'm trying. But Lopa, tell me one thing. I got you last year. You feel so beautiful after taking the risk. I always look beautiful. You didn't take me when I was taking the risk. You didn't see me, but Lopa was fighting. No, I forgot. I saw something. Did you see? No, we are like that. Did you see our friends? Then how much? No, we do anything for money. But Lopa... How are you been? I've been very... Lopa, I have a lot of questions for you. So today I got a chance to ask you questions. You first tell me, you're here for the FBB experience. How has your FBB experience with FBB been? My experience with FBB is very yaadgar. It's very special. क्योंकि जब मैंने मिस इंडिया किया था तो एफबीबी वाज द मेन स्पॉन्सर तो मेरी जितनी भी यादें हैं एफबीबी के साथ मिस इंडिया के जरिए जुड़ी हुई हैं इसलिए उससे खास कुछ नहीं हो सकता उससे खास नहीं हो सकता बिकॉज यू नो एफबीबी एंड मिस इंडिया हैव बीन टुगेदर फॉर 5 इयर्स नाउ सो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग एसोसिएशन एंड आई होप दिस कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन बट आप मुझे बताओ आपका सबसे फेवरेट आइटम व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग कौन सा है इफ आई हैव टू ओके इफ आई हैव टू आस्क यू फ्रॉम ऑल दीस clothes that these lovely ladies are wearing? I think it's very difficult to say what I really like, but I would say I like the most that I'm wearing is the Bird Paradise collection. The reason... Madam, ye gaya aaj, ye leke jaunga aaj. See, that's why I said it's very difficult to choose because they're all so colorful and vibrant, and because my colors, my favorite colors, bright blues, it's always been bright red, blue. So what I'm wearing, and especially it's the Bird Paradise, it also depicts the bindless, boundless, limitless spirit of a woman. So I think that is what you are. Yes. Limitless. I can relate to that. मुझसे कोई ये पूछे मैं लोग मैं सुनो सारे कपड़े पसंद हैं मुझे. सारे packed. हाँ, packed means मैं dinner पे लेके जाऊँगा ऊपर और. But okay. I'm talking about clothes. हाँ, so I would like the clothes are looking nice on these ladies. That's why I would want to take everyone out in a night. Okay, so what does style mean to you, Lopa? Style, I think, is an extension of my personality, or anybody's style is the extension of their own personalities. And I think it's a way of life also, because of the lifestyle that we live and the industry that we are in. It's a part of day-to-day life, and it has to be on point. No compromise on that. But if you have to give like all these, you know, beautiful girls and guys out here, agar aapko unko inko kuch batana ho, if you want to tell them what is fashion to you and what should fashion be to them, to wo kya hoga? Fashion and style both are a personal choices. Yeah. And I think a person should pick and choose not on the basis of what is trending, but on the basis of what personally suits you and your body type. So I never follow something blindly what because everybody's doing it. I do something I personally like and I feel that I'm the best in this. So I think everybody should decide what goes well with their personality. Well, that is what FBB is all about. It's aspirational fashion. आपको जो भी बनना है, जो भी पहनना है, आपको इतनी varieties मिलेंगी to actually, you know, figure out what suits you and what you like. Thank you so much, Lopa. A huge round of applause, guys, for all these lovely ladies and for Lopa Madruga. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Lopa. Thank you, Lopa. हम आपको जाने नहीं देंगे. हम आपसे हम आपके साथ कुछ और करना चाहते हैं यहाँ पे बताऊँ क्या करना चाहते हैं आप किस चीज़ में आपको महारत हासिल है इस रैंप वॉक पे ना बोलने में और चलने में दोनों में तो आज बोलने का काम मैं करूँगा हमने ना यहाँ पे एक ऐसे कंपटीशन रखा था सो वी हैव दिस टू लवली विनर्स वी प्रॉमिस You probably will have to teach them how to be the fashionista on this ramp. So can we call her? Yeah, sure. We have you lovely ladies, please. A huge round of applause, guys, for these two lovely ladies out here. Please come, come, come. See. Hello. Phone mat chhodna. Kahin bhi. Hai na? Sote hue bhi jaate hain to bhi phone lete hain. Aapka kya naam hai? Brinda. Bharti and Brinda. Bharti. Phone andar rakh diya. Abhi Lopa will show you what actually it is to be on the ramp.
और आप प्लीज मम्मी आंटी चाची प्लीज आप फोटो ले सकते हैं. आई टेक दिस स्लो. कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज. First, you have to strike a pose, okay, before you walk. First, take a deep breath. You literally have to strut as if you're the best thing God has created, okay? So stand tall, long torso, take a deep breath. Stand in the S position, okay? This is your S position. Kaun sa pose? S pose. S. S. Not something else. S. S. So when you see... So when you stand straight, take this position with one leg ahead and make a T with your legs. Well, you decide karo S or T. Okay, so your body looks like this and your legs are in T position. Yeah. And then you take a U-turn. You can take a U-turn and girls can go ahead. So, okay. So, there we go, okay? But can we have a music please? Thank you.
उठा के रखे. सो दिस वॉज प्रॉब्ली माई फर्स्ट टाइम यार इन अ मॉल एक्चुअली एंकरिंग एन इवेंट. मैंने बहुत इवेंट्स एक्चुअली देखे हैं मॉल्स में होते हुए एंड इट्स फन टू बी ऑन द अदर साइड एंड आई होप इट ऑल वेंट वेल. इट्स अ ग्रेट ग्रेट थॉट बाय एफबीबी. एफबीबी का एक बहुत ही कमाल का थॉट है ये कि यू नो मॉल के अंदर उनका एक नया लाइन आया है द प्रेट लाइन कलेक्शन जो इंस्पायर्ड है तीन अलग अलग चीज़ों से जो तीन अलग अलग कलेक्शन थे. सो इट्स अ डिफरेंट टेक क्योंकि आज सैटरडे है तो हमको भी पता है हम सबको पता है कि यू नो इट्स अ डे व्हेन अ लॉट ऑफ फैमिलीज अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मॉल्स स्पेशली जो लोग यू नो अफोर्डेबल थॉट प्रोसेस से आते हैं क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि कोई एक्टर या यू नो सम सेलिब्रिटी वेयर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड तो हमें लगता है कि दैट ब्रांड माइट बी यू नो आउट ऑफ आर रीच. बट एफबीबी इज एक्चुअली मेड श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर अफोर्डेबल एंड यू कुड लुक एज एंड व्हाट यू वांट टू लुक. या माय फैशन मंत्रा मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वट एवर आई फील कम्फर्टेबल इन. जैसे मैं आज पहले सोच रहा था मैं एंकर करने आ रहा हूँ तो सूट पहन लेता हूँ जो एक टिपिकल एंकर का थॉट होता है. बट देन आई वॉज लाइक यू नो वाई नॉट जस्ट बी योर सेल्फ. जिस चीज़ में आपको यू नो खुशी मिले जिस चीज़ में आप थोड़े कंफर्टेबल हों. मेरा मन तो था कि मैं वो जैकेट जो मैंने पहनी थी वो मैं वहाँ पे भी उतार दूँ क्योंकि इट इज़ सो हॉट. बट देर आर सर्टन थिंग्स जो हमें करनी है. बट माई फैशन मंत्रा इज़ एनी थिंग एंड एवरी थिंग देर आई एम कम्फर्टेबल इन एंड आई लाइक वेयरिंग देर आई फील लुक्स गुड ऑन मी. फिर होता है कभी कभी कि यू नो somebody says it's a fashion disaster, somebody says वाह क्या कमाल का फैशन है. सो टू ईच इज़ ओन. फिर मुझे ना एक्चुअली सबका स्टाइल पसंद है बट आई लव व्हाट रणवीर वेयर्स यार. यू नो आज से एक डेढ़ साल पहले हम लोग बहुत बोलते थे कि अरे क्या पहन रहा है आज दैट्स बिकम अ स्टाइल स्टेटमेंट एंड आई लव इट बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यू नो व्हाट यू लाइक यू कैन वेयर. And Lopa, you can come here. Yeah, I was just giving yes, it to Lopa, yeah, Lopa can come here. Okay, Karan, यहाँ पर जो है खतरों के खिलाड़ी का reunite हो चुका है. हाँ, क्योंकि वो नए वाले चले गए ना अर्जेंटीना तो हमने कहा पुराने वाले RCT मॉल आ जाते. हम भी जैम कर रहे हैं. हम जैम कर रहे हैं यार. Okay, special wishes होने वाले हैं उनके लिए आपकी तरफ से. भाई वो शो पे हाँ वो शो पे सिर्फ दुआएं ही काम कर सकती हैं दवाएं नहीं. उस यार मुझे पता ही नहीं एक्चुअली बहुत लोग कौन कौन गया है. मुझे दो तीन लोग ही पता है तो मैं एक बार पूरी लिस्ट देख लूँ उसके बाद मैं बता पाऊँगा कि मेरा फेवरेट कौन है. बट डजेंट मीन मेरा फेवरेट ही जीतेगा क्योंकि वो एक शो है. लोपा बताएंगे कि वो एक शो है जिसमें कोई भी जीत सकता है. कोई भी जीत सकता है. यू नेवर नो. हाँ जो जीत जो हमारे टाइम में जीता उसका मतलब पता है ना वो कौन था. हमें लग रहा था बहुत ही स्वीट सा बच्चा है. बट एनी वेज हाँ हाँ जी यार ये मैंने कहीं पढ़ा था पता नहीं है क्यों लिखा गया है मुझे पता ही नहीं. बिकॉज यू नो सेक्रेट गेम्स इज इट्स अ बुक. वो उस बुक में जो कैरेक्टर है वही वो कैरेक्टर ऑन कैमरा है. एंड सीक्रेट गेम्स हैज स्टिल अ फ्यू मोर सीजन्स तो मैं उसके बारे में आई डोंट नो यार. आई डोंट इवन वांट टू यू नो से एनीथिंग बिकॉज मुझे खुद ही नहीं पता. मैंने कहीं पढ़ा था और मैं हंस रहा था और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा था. क्वेश्चन मार्क मरवाता है. मेरे लिए फैशन मतलब मुझे पर्सनली बहुत बॉडी हगिंग ड्रेसेस लॉन्ग लेंथ वाली ड्रेसेस ये सब पसंद है. आई लाइक हाई राइज जीन्स स्किन फिट एंड दिस इज माई पर्सनल स्टाइल क्वेश्चन. सो या एंड इट कीप्स चेंजिंग सीजन टू सीजन. एवरी डे आई वेक अप फीलिंग डिफरेंटली तो मुझे डिफरेंटली ड्रेस करने का मन करता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड एंड द ओकेजन. करण यहाँ पर आज होस्ट कर रहे थे क्या कहना चाहेंगे कोई कॉम्प्लीमेंट. होस्ट ही करते रहते हैं हम लोग. मेरा तो ही इज वेरी गुड एट व्हाट ही डज सो लाइक कॉम्प्लीमेंट्स की उसको कमी नहीं है. आई न्यू लोपा वाज वेयरिंग ब्लू सो आई केम इन माय शेड ऑफ ब्लू. या दैट्स कॉल्ड अ रियल रीयूनियन. व्हेन कैन वी सी यू बोथ ऑन स्क्रीन टुगेदर. प्लीज कॉल द प्रोड्यूसर्स एंड मेक समथिंग हैपन. प्लीज मेक समथिंग हैपन. यार हमारे हाथ में कुछ नहीं. I would love to work with her. I'm sure she would love to work with me. We've had a great time in Spain. So if we get to work together, nothing like it. आपकी जो वेब सीरीज में कांग्रेस को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया. A lot of controversy happened.
यार आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एफबीबी ऑनेस्टली. मैं बताऊँ, मैं यू नो आई एम एज एन एक्टर, जैसे आप रिपोर्टर हैं, आपके चैनल पे क्या क्या होता है उसका सारा ब्लेम आप पे नहीं होता है. और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली आई टेल यू वट एवर इज हैपनिंग. आई एम श्योर पीपल आर हैंडलिंग, और एक बार ही वो पूरा हो जाए तो देन वील सी. एट द एंड ऑफ द डे आई एम हेयर फॉर समथिंग एल्स, सो आई वुड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट. अभी एफबीबी है, एफबीबी ये भी प्रोजेक्ट ही है, क्या पता मैं इनके साथ कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, क्या पता. मैं तो ये कहना चाहूँगी कि खुद का स्टाइल सिलेक्ट करो, जस्ट डोंट फॉलो द हर्ड. वो सब ही करते हैं दूसरों को फॉलो करने का. हम जो कर रहे हैं क्योंकि हमें सूट कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आप वो करो जो आपको सूट कर रहा है. सो डोंट फॉलो एग्जैक्टली. यू नो आई थिंक लाइक शी सेड, लाइक टेकिंग अप फ्रॉम व्हाट शी सेड दैट यू नो जो आपको अच्छा लगता है वो ही आप कीजिए. अब वो इन स्टाइल है या नहीं है उसकी चिंता ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोगों को ऐसा लगता है अरे ये 10 लोगों ने पहना है तो ये बहुत कमाल होगा, एंड इट माइट नॉट यू नो गो वेल विद यू. एंड इट हैपन्स विद एक्टर्स ऑल्सो, लाइक विद अस ऑल्सो समटाइम्स वॉट प्रॉब्ली एन एक्स एक्टर विल वेयर माइट नॉट सूट मी, एंड माइट अ लॉट ऑफ टाइम्स कई चीज़ें जो मुझ पे सूट कर रही हैं या लोपा पे सूट कर रही हैं वो किसी और पे शायद ना करें. सो इट्स पर्सन टू पर्सन एंड योर ओन ओपिनियंस एक्चुअली. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू.